वचन दीजिए, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं लोकसभा में पटक के जो लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और हमसे तो यही कहेंगे, चले भाई जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है, बस आपका सांसद 300 था इसलिए आप पीएम बन गए, हम लोग 5 को लेके आए। पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी बने हमारे लोग, और उनसे एक एक बिंदु में सवाल होगा, देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य ने आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने कैबिनेट का एक लिमिटिंग किया झारखंड के लिए, एशियन इतने में बोली क्योंकि फेंका फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है और हमारे प्रधानमंत्री का तो कहिए ना अमेरिका से ठीक है क्या कहेंगे, विदेश में तो हैवी फेंकते हैं, हाल फिलहाल गए थे जलवायु परिवर्तन में, हाल फिलहाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री क्योंकि हजारीबाग बीजेपी वालों का गढ़ है तो ऐसे यशस्वी लगाते होते हैं, लेकिन फिर तो 30 सेकंड में अपनी आधी भक्ति उतार देंगे 30 सेकंड के भाषण में, उसके बाद अगर ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी एक हिस्सा में अपनी खोपड़ी का खाली है यदि गोबर नहीं भरा है हम 30 सेकंड में भक्ति उतार देंगे। लॉजिक सुनिए, हम कहा कि वो राज्य का विषय है, देश की बात कर रहे हैं, लॉजिक सुनिए। कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी देश दुनिया में नामी गिनामी माननीय श्री श्री 108 श्री प्रधानमंत्री चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में, ध्यान से सुनिएगा, जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर और हाल फिलहाल तो देखिए छठा क्लास का बच्चा क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट की नहीं पा है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम क्या निभाते पता, उन्होंने कहा बकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, केमिस्ट्री वालों CO2 कोयला से बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से, तो चूंकि CO2 NO2 SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे बाहर आता है, इससे किसको नुकसान होता है मानव जीवन को जंगल को पर्यावरण को, तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे, दुनिया में पूरा ताली बजा, ऐसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी देख भी होंगे कैमरा में बहुत आज तक लगभग 2300 कुत्ता पहने तो कैमरामैन तो ये है, ये दुनिया में क्या बोल क्या है कि कोयला से CO2 NO2 SO2 बनता है, केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे और तुम कैसे बन सकता है, जैसे ही भारत आए आप बड़का कर वाले हम ही भरेंगे, जैसे ही भारत आए 80 को कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ 39 को अडानी को, 39 को अडानी को, इसीलिए हजारीबाग सुने बीजेपी का गढ़ है, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके जनता पूछते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी उसको कंट्रोल करेंगे और इंडिया कैसे आते हैं, इनका आंख पीछे आता है जवान पीछे आती है और 80 को कोयला खदान बेचते हैं 39 को अपने एडवोकेट तब तक सब ठीक है ना, खुद हम अच्छा है आपने हमारे अभिभाव तब तक अपने तब तक पुत्र अडानी को 39 को कोयला का खदान आवंटन करते हैं जिसके बड़का काम है, समझ के देखिए मेरे साथियों, इसीलिए आज MP भी बनाने की आवश्यकता है जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके, और हम पूरा विश्वास कीजिए प्रधानमंत्री को छोड़िए यदि वो अपने मित्र
क्योंकि ट्रंप के टाइम से ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम से बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन उनकी मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है उनको पूरा के लिए भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों का उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों का उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे, और कहां से देंगे? वो जब इंडिया आए तो मोदी जी दीवार खड़ा कर दिया, कहां से देंगे? उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया तो सवाल सुनने देंगे?